सीधे आपको लिए चलते हैं भगत सिंह कोश्यारी, क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। नहीं, आपका कॉन्टेक्स्ट सही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया वहां तक ठीक है, आपके पार्टी के खुद के नेताओं ने जो अब तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, वो खुद उन्होंने बोला शुरू किया कि आपको वहां से निकालना। मैं राज्यपाल के रूप में आने से पहले बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं और आज यहां आया हूं। आज भी आप, मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रखी है, ठीक है, तो इसलिए आपकी पार्टी क्यों कहते हैं? चलिए ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने आपको सपोर्ट नहीं किया, मैं अलग तरीके से पूछ लेता। चंद्रकांत दादा पाटिल का बयान पढ़ लिया होगा, बाहुनकुले का बयान पढ़ लिया होगा आपने, देवेंद्र फडणवीस ने 10 बार कहा है, आपके टीवी पर भी कहा है, सब पर कहा है। हम तो उदयन राजे भोसले का बयान भी देख रहे हैं। आखिर हर एक पार्टी में अगर एकाध आदमी अपने इससे बोलता है तो क्या आप ये सोचते हैं कि सब ऑथराइज सभी की बोल रहे हैं? आपको नहीं लगता कि उसके वजह से उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए, क्योंकि भाजपा के साथ भगत सिंह कोश्यारी का नाम जुड़ चुका है, अब ऐसे में आपके वजह से उनको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, इसके लिए बेटर है कि आप यहां से जाइए। मेरी बात सुनो जी, न तो कोई मुझे वहां से भेज रहा था, न मुझे किसी ने वहां से भेजना था, ठीक है नहीं। और मैंने, अगर आप जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे जी हमारे राजभवन का, तब भी कहा था कि मैं इच्छुक नहीं था, ये आपका स्नेह और प्रेम और विश्वास था कि इसके लिए मैं महाराष्ट्र आया हूँ, तो इसलिए महाराष्ट्र जाने न जाने वो तो बात ही अलग है। और एक दो ने कोई बयान दिया ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत है, और उसको भाजपा मेरा समर्थन कर रहा है, मैं ये मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई किसी के समर्थन के लिए थोड़ी मैं अपना काम करता हूँ। कहीं पर मेरी गलती होती है तो किसी के नुकसान के लिए थोड़ी करता हूँ। ठीक है ना, आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा सोचना शुरू किया कि तो आपके बयान उनको एम्बैरेस कर रहे हैं। ये आप उनसे वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा निकाला जी। ये बीजेपी के लोगों से पूछो, मेरे से मत पूछो। अभी आपका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है? नहीं, बीजेपी माने बीजेपी ये वहां के लोगों को, आपको लग सकता उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो कोई लगता ही नहीं। ठीक है सर, मेरा बयान सही था जी, मैं ये मानता हूं कि मेरे बयान में कहीं कोई कमी नहीं थी। सर, 3 साल आपने महाराष्ट्र में बिताए, एज अ गवर्नर आपने बिताए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप जब आए तब लग नहीं रहा था कि राजनीतिक स्थिति कुछ खास बदलेगी, क्योंकि चुनाव में बीजेपी शिवसेना जीतेगी ये तो दिख रहा था, सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, सारे ओपिनियन पोल बता रहे थे, और उसी तरीके से हुआ, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई। मुझे सवाल ये पूछना है कि क्या ये जरूरी है कि हर जगह पे जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, जिस राज्य में, वहां पर राज्यपाल और वहां की राज्य सरकार का संघर्षमय पूरा कालखंड रहे? आपने भी उस संघर्ष को फेस किया, आपने अकेले पर वो फेस किया, क्योंकि आप उस चेयर में बैठे हुए थे राजभवन में, जो भी आरोप लग रहे थे उससे आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा उससे लेना देना, क्योंकि आप उस चेयर में बैठे हुए थे। ये माहौल कहां से पैदा हुआ है? क्या जो कांग्रेस के समय में हुआ करता था, क्या वो इस समय में भी होना चाहिए? जगदीप धनखड़ अगर वहां पर राज्यपाल है तो उनका ममता बनर्जी के साथ संघर्ष होना ही चाहिए। आप यहां पर राज्यपाल है और आपके बीजेपी के खिलाफ सरकार है तो वहां पर संघर्ष होना चाहिए। कहां क्या हो रहा है, क्यों ऐसा संघर्ष होता है? अगर आप इस संघर्ष के बजाय आप ये कहते कि देखो भगत सिंह, तुम पहले ऐसे राज्यपाल हो, आज तक शायद शिवनेरी सब लोग हेलीकॉप्टर से तो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि पूर्व मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चलो वो भी उसमें उम्र कम थी, वो पैदल गए हैं।